और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस धमकी देने वाले को पकड़ भी चुकी है, ये खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पर धमकी दी गई, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दाऊद गैंग के नाम से ये धमकी दी गई थी, तो मोदी और योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले को पकड़ लिया है, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमकी दी गई थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दाऊद गैंग के नाम से ये धमकी दी गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन पर धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। दाऊद गैंग का ये शख्स दावा कर रहा था उससे जुड़ा हुआ है, हालांकि अब उससे पूछताछ आगे की होगी। मोदी और योगी को जान से मारने की ये धमकी मिली थी, मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले को पकड़ लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में इसने फोन करके ये धमकी दी थी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। दाऊद गैंग के नाम से धमकी दी थी शख्स ने, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ भी इस वक्त हो रही है इस पूरे मामले से संबंधित। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की फोन करके धमकी दी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की शख्स ने फोन करके धमकी दी थी, धमकाया था। इसके पीछे की क्या वजह है, क्योंकि इस तरीके के कई बार मामले सामने आते रहे हैं और ये एक और मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। और हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साकेत, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल फोन कॉल उनको एक की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा मुंबई में एक जेजे अस्पताल है, उसे भी बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद कॉल को ट्रेस किया गया और सायन से, सायन एक इलाका है मुंबई का, जहां से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये एक हॉक्स कॉल था। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में लगातार इस तरह के हॉक्स कॉल की संख्या बढ़ गई है। लगातार लगभग पूरे साल की बात करें तो 60 से भी ज्यादा हॉक्स कॉल मुंबई पुलिस को आ गई है, लेकिन मुंबई पुलिस लगातार इन सभी हॉक्स कॉल को सीरियसली लेती है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर कॉल को ट्रेस किया जाता है, हर कॉल के पीछे मैन पावर लगती है, और इसीलिए लगातार जिस तरह से इस तरह के कॉल आ रहे हैं, पुलिस को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, जांच जारी है, पूछताछ इससे हो रही है। शुक्रिया साकेत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Z News.